Hello dear students, this is Kiran Macharu. How are you all? Hope you all are quite well. Today we are going to start July and August syllabus. So let's get started. Class number 4, Saint Ravidas. Activity 1, look up the following words in a dictionary. You should seek the following information about the words and put them in your words notebook. हाँ जी, हुण सब तो पहला नीचे कुछ वर्ड्स होंगे, उन्होंने डिक्शनरी देखो उन्होंने मीनिंग्स, उस तो बाद उन्होंने तुसी अपने नोटबुक्स के उपर लिखो. नंबर 1, मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज इन द लैसन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब एटसेट्रा. हाँ जी, सब तो पहला आप देखना कि उस वर्ड का मीनिंग की हैगा, लैसन के उसू किस तरीके यूज़ किया गया, कि वह एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है. सेकेंड इज प्रोनंसीएशन. प्रोनंसीएशन का मतलब कि किसी भी वर्ड को आप सही तरीके नाल किस तरह बोलना. दैन स्पैलिंग्स, तो नाल ही तुसी इन्हां वर्ड्स से स्पैलिंग्स भी लर्न करने हैं. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज डिके. डिके गिरावट. नैक्सट डिसिपल. डिसिपल चेला या शिष्य. इंप्रेशन. इंप्रेशन प्रभाव. सर्मन. सर्मन धार्मिक उपदेश. मेडिटेट. मेडिटेट ध्यान लगाना. प्लाइट. प्लाइट हालत. एसेंस. एसेंस जोत या तत्. डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन भेद करना. स्ट्रेस बोझ. इटरनल जो हमेशा रहता. ठीक है, हमेशा रहने वाला. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग ऑफ द स्टोरी सेंट रविदास. हाँ जी, सेंट रविदास, संत रविदास जी की यह पिक्चर हैगी है, तुसी सारे ने देखी होगी है ना. India has been a home for saints and sages. भारत ऋषियां मुनियां अते संता महापुरुषां दी धरती रहा है. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some saint or prophet appears on the scene. जदों कदे भी धरती दे उपर नैतिक जां समाजिक पद्धर लोकां दा गिरावट वल नूं गया, उसे समय संत महात्मा या पैगंबर दुनिया ते आए. रविदास वॉज वन सच सेंट हु इन्फ्यूज न्यू लाइफ एंड वाइटलिटी इन टू द हिंदू सोशल ऑर्डर. तो रविदास भी एक अजिहे संत सन जिन्होंने आके हिंदू समाजिक जीवन से उहदे विच एक नवी ऊर्जा तो नवी जीवन का संचार किया. रविदास वॉज बोर्न इन द ईयर 1377 in Banaras, the holy city of the Hindus. रविदास जी का जन्म बनारस के 1377 ईस्वी के होया सी, जो कि हिंदुओं की एक धार्मिक सिटी सी, धार्मिक शहर सी. He was the son of a cobbler. हाँ जी, वह एक मोची के पुत्र सन. His parents wanted him to be educated. उन्होंने माता पिता चाहते सी कि वह पढ़ लिख जान. They sent him to school. ते उन्होंने अपने पुत्र नू स्कूल भी भेजा. Unluckily, he was unhappy at school and very soon he was out of it. But बदकिस्मती दे नाल उस स्कूल दे विच खुश ना रह सके ते जल्दी ही उन्होंने स्कूल छड़ना पया. The school life made him understand the ills of the society. जिन्ना चिर भी वो स्कूल दे विच रहे, उन्होंने उत्थे रह के समाज दियां बुराइयां बारे पता लग गया. मीन्स कि उन्होंने स्कूल टाइम के ही इस तरह सिचुएशंस, इस तरह के हालात का सामना करना पाया, जिन्हों तो उन्होंने समाज के प्रचलित बुराइया बारे जानकारी मिली. रविदास रियलाइज दैट अ चाइल्ड बोर्न इन अ लो कास्ट वॉज नॉट ट्रीटिड वैल इन द सोसाइटी. तो रविदास जोड़े से उन्होंने उस टाइम जो बचपन से बच्चे से उस टाइम यह गल महसूस हो गई सी कि जे कोई बच्चा नीवी जाति दे विच पैदा हुंदा तो समाज दे विच उस नाल वधिया व्यवहार नहीं किया जाता.
In such an unfriendly atmosphere, little Ravidas could not put his heart into studies. ते इस तरह के माहौल दे विच, इस तरह के अनफ्रेंडली माहौल दे विच जिथे कि उन्हां नूं सही माहौल नहीं मिलिया सी, छोटे रविदास अपना मन पढ़ाई विच ना लगा सके. Often he would sit alone and think deeply. ते अक्सर ओह इकले बैठ जाते ते बहुत डूंघाई दे नाल सोचना शुरू कर देंदे. It would then appear as if he were in deep samadhi. ते इस तरह लगता सी कि ओ किसे डूंघी समाधि विच चले गए होन. रविदास had no interest in material things. जी रविदास जी दी दुनियावी चीज़ों दे विच कोई भी दिलचस्पी नहीं सी. He was only interested in matters related to the spirit. उना दा ध्यान सिर्फ आत्मिक विषयां दे विच सी, जां ओ सिर्फ आत्मा दे नाल रिलेटेड विषयां दे उपर ही ध्यान दिंदे सी. He wanted to gain spiritual knowledge. ते ओ चाहुंदे सी कि उना नू आत्मिक ज्ञान दी प्राप्ति होवे. He was in search of some spiritual teacher who would show him the right path. ते ओ हमेशा ही एक अजिहे गुरु दी तलाश दे विच, एक अजिहे आत्मिक गुरु दी तलाश दे विच सन जो कि उना नू सही रस्ता दिखा सकन. Soon he became a disciple of Swami Ramanand. छेती ही ओह स्वामी रामानंद जी दे शिष्य बन गए, चेले बन गए. रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर सम टाइम. ते रविदास जी स्वामी जी दे नाल कुछ समा रहे. देयर वाज अ कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ. ते उन्हां नाल रह के उन्हां दी अपनी जिंदगी दे विच बहुत वड्डा बदलाव आया. स्वामी रामानंद लैक्चर लेफ्ट अ ग्रेट इंप्रैशन ऑन हिज यंग माइंड. ते स्वामी रामानंद जी दे जिहड़े उपदेश सी उन्हां दा उन्हां दे यंग माइंड दे उपर बहुत ज़्यादा डूंघा प्रभाव पिया. Through these sermons, he came to understand the true meaning of life. ते उन्हां दे उपदेशां तो बाद उन्हां नूं असली जिंदगी दा मकसद की हैगा ओह समझ दे विच आया. ते इन्हां उपदेशां दे नाल ही उन्हां नूं अपने जीवन दा असल मकसद की है ये समझ दे विच आया. He came to know of the ancient Indian wisdom and culture. उन्हां नूं प्राचीन भारत दी सूझबूझ ते सभ्याचार बारे पता चलिया. The field was ready. हुण खेत तैयार हो चुका सी. The seed was sown and the crop did not take long to ripen. ते बीज बीजा जा चुका सी ते फसल जड़ी सी ओह पक्कण दे लई बहुता समा उसनूं नहीं लगना सी. मतलब कि जदों जिहड़े उन्हां दे गुरु सी, गुरु रविदास जी दे गुरु सी, उन्हां तों जदों उपदेश उन्हां नूं मिलिया तां उन्हां नूं समझ आ गई कि अपनी जिंदगी दा असल विच मकसद की हैगा. When the guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live. ते जदों उन्हां दे गुरु जी नूं इस गल दी संतुष्टि हो गई कि हुण रविदास जी दे अंदर एक आत्मिक जोत जिहड़ी आ हमेशा दे लई जग चुकी है, तो फिर उन्होंने रविदास जी नूं कहा कि वह अपने घर वापस जाण ते जिस तरह का जीवन वह जीना चाहते हैं उस तरह का वह अपना जीवन जीवन. द इनलाइटेड डिसिपल नाउ फेल्ट दैट ही हैड अ डिवाइन मिशन टू लिव फॉर. ते आत्म ज्ञान प्राप्ति तो बाद उन्हां दे शिष्य नूं इस गल का पता चल गया सी कि हुण उन्हां दी जिंदगी का जिहड़ा मकसद आ वह एक डिवाइन मिशन हैगा. ते उन्होंने बहुत सारे लोगों दी जिंदगियां नूं चेंज करना. ही चोज बनारस टू बी द प्लेस ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटीज़. ते उन्होंने अपने भविख दीयां गतिविधियां दे लई जां कम्मां दे लई बनारस नूं चुनिया. रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट येट कंप्लीट. ते रविदास जी नूं यह गल महसूस हुई कि उन्हां दी जिहड़ी आत्मिक जीवन दी ट्रेनिंग हैगी आ वह अजे पूरी नहीं हुई. He had a desire to have more and more of spiritual knowledge. ते उन्हां दे अंदर इच्छा सी कि वह होर ज़्यादा आत्मिक ज्ञान प्राप्त करन. For this, he decided to beautify an area of the forest where he could meditate in peace. ते इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह एक जंगल दे विच जान ते उत्थे जा के एक सुंदर एरिया जिहड़ा सी उत्थे बनाउन ते उत्थे जा के वह शांति दे विच बैठ के मैडिटेशन करन, अपना ध्यान लगाउन. One day, while meditating, he felt disturbed by a sudden movement in the bushes. एक दिन जदों वह ध्यान दे विच सन उन्हां नूं
अचानक ही झाड़ियों के विचों एक हलचल महसूस हुई। रविदास गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड, तो वह उठे तो उन्होंने आस पास देखा। अ शी डियर हैड बीन कॉट इन अ नेट लेड बाय अ हंटर, तो उन्होंने देखा तो एक हिरनी सी जिसनों एक शिकारी ने अपने जाल दे विच फसा लिया सी। द पुअर एनिमल वॉज स्ट्रगलिंग टू गैट फ्री, वह बेचारा जानवर मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा सी। एज द हंटर अप्रोच्ड हर शी लुक्ड एट हिम विद प्लेडिंग आईज, तो जदों ही शिकारी उसके कोल गया तो वह उस वल बेनती भरिया अखा दे नाल देख रही सी। इट वॉज एज इफ शी वॉज बैगिंग फॉर मर्सी, तो इस तरह लग रहा सी जिस तरह कि वह उस तो दया की भीख मंग रही हो। इट वॉज हर टाइम टू फीड हर यंग वंस, क्योंकि ये टाइम सी जिस समय हिरनी अपने बच्चों खाना दिंदी सी। द थ्री फॉन्स केम जंपिंग टू हर जॉयफुली बट दे वर शॉक्ड वैन दे सॉ देयर मदर इन अ मिजरेबल प्लाइट, तो उस समय की होया तीन छोटे छोटे हिरनी के बच्चे खुशी खुशी जंप मारते कुदते उधर आ गए, बट जदों उन्होंने देखा कि उन्होंने जिहड़ी मदर आ उन्हों दुखी हालत के विच उन्होंने देखा तो वह हैरान हो गए। द मदर एंड हर यंग वंस वर अ पेनफुल पिक्चर ऑफ मिजरी एंड हेल्पलैसनैस, तो इस समय उस मदर ते उहदे छोटे छोटे बच्चों की जो बहुत दर्दनाक तस्वीर सी जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी ते लाचार करन वाली सी। देयर साइलेंट प्रेयर्स एंड देयर सैड आईज कुड हैव मेल्टेड इवन अ हार्ट ऑफ स्टोन, तो इस समय उन्होंने अंदरों जड़ियाँ प्रार्थनावां निकल रही सी साइलेंट प्रेयर वो कर रहे सी, उन्हां दियां अखां उस समय उदास सी ते उन्हां नूं देख के तो कोई पत्थर दा दिल भी पिघल सकता सी। बट द क्रूअल हंटर रिमेन्ड अनमूव्ड, पर उन्हां दियां प्रेयर्स दा उस शिकारी दे उत्ते कोई भी असर ना होया। हिज आईज शोड नो ट्रेस ऑफ पिटी और काइंडनेस, क्योंकि उस दियां अखां दे विच उन्हां दे प्रति कोई भी दया दी जां दयालुता दी भावना नहीं सी। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड टू कैप्चर द एनिमल एंड हर यंग वन, तो वह अगे वध्या ताकि वह उस जानवर नूं ते उसके बच्चों नूं काबू कर सके। एज रविदास लुकड एट दैम हिज हार्ट मेल्टेड इन पिटी, तो जदों ही रविदास जी ने उन्हां वल देखा उन्होंने मन के बहुत ज़्यादा दया आ गई। ही फैल्ट इट हिज ड्यूटी टू सेव द पुअर हेल्पलैस एनिमल्स फ्रॉम डैथ, तो उन्होंने महसूस होया कि उन्होंने गरीब जानवरों को मौत तो बचाना उन्हों का फर्ज है। ही वेंट अप टू द हंटर एंड स्पोक लाइक दिस, तो वह हंटर दे कोल गए शिकारी दे कोल गए तो उन्होंने उसनों ये गल्लां कहियां। वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, असी सारे इको ही परमात्मा के बच्चे हाँ। गॉड इज़ आर लविंग फादर, परमात्मा साडा प्यारा पिता है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट रनस इन द ह्यूमन हार्ट एज लव, तो ये एक इलाही तत् है एक इलाही जोत है जो कि मनुखा के दिलों में प्यार के रूप के दौड़ रही है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द रोज विद फ्रैगरेंस, तो ये उही इलाही जोत है जिहड़ी कि गुलाब नू खुशबू दे नाल भरदी है। अगेन इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द रेनबो विद ब्यूटी, तो ये उही इलाही तत् इलाही जोत है जो कि सतरंगी पींग नू सुंदरता देती है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द बर्ड्स विद जॉय, तो उही इलाही जोत जो कि पंछियों नू खुशी देती है। द एप्पल्स विद जूस, सेब दे विच जूस भरती है रस भरती है। एंड द वॉइस विद स्वीटनैस, तो आवाज़ दे विच मिठास भरती है। देयरफॉर वी शुड लव एवरी क्रीचर लिविंग ऑन दिस अर्थ, तो इसलिए सानू सारियां नू इस धरती के सारे जीवों नू प्यार करना चाहिए है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सेक्रेड, क्योंकि धरती के उपर जिन्ना भी जीवन है वह सारा ही बहुत ज़्यादा पवित्र है। इट इज़ मैनस मोस्ट सीक्रेट ड्यूटी टू ब्रिंग पीस टू अ ट्रबल्ड हार्ट, तो मनुख का सब तो महान सब तो व्डा जो धार्मिक कर्तव्य हैगा वो ये है कि वह मुसीबत दे विच पए दिलों नू शांति देवे। वी शुड नैवर कॉज पेन सफरिंग और डैथ टू एनी लिविंग बींग, सानू कदी भी किसी भी इंसान नू किसी भी जीव नू दुख दर्द जां मौत नहीं देनी चाहिए, मतलब कि सानू किसी भी जीव की मौत का जां दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। वी शुड लव ऑल थिंग्स ग्रेट और स्मॉल,
ते सानू सारियां चीज़ां नू प्यार करना चाहिए, चाहे कोई चीज़ वड्डी होवे चाहे छोटी होवे। इवन अ टाइनी इनसैक्ट इन ग्रास इज एज सेक्रेड एज अ ह्यूमन चाइल्ड। ते चाहे एक घर दे विच छोटा जिहा कीट पतंगा है, छोटा जिहा एक कीड़ा है, वह भी उन्ना ही पवित्र है जिन्ना कि इंसान का बच्चा। द हंटर लिसन टू द काइंड वर्ड्स ऑफ सेंट रविदास एंड फेल्ट डीप रिस्पैक्ट फॉर द सेंट। उस हंटर ने, उस शिकारी ने संत रविदास जी के दयालु शब्दों को सुनिया तो उसके मन में उन्होंने प्रति बहुत ही सतिकार पैदा हो गया। द चार्म ऑफ द सेंट पर्सनैलिटी एंड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम वॉश्ड अवे ऑल इविल थॉट्स फ्रॉम द हंटर्स माइंड। उन्होंने जड़ी महान शख्सियत सी, एक सहज शख्सियत सी, तो उन्होंने कहे हुए जड़े शब्द से उन्होंने हंटर के माइंड के विच्चों सारिया बुराइया नू खत्म कर दिता। इट वॉज अ मिरेकल फॉर द हंटर, तो उस शिकारी लिए तो यह एक चमत्कार ही सी। अ शोर्ट मीटिंग विद द ग्रेट सेंट हैज चेंज हिम कंप्लीटली, तो उस संत के नाल एक छोटी जी मुलाकात ने उसके जीवन नू पूरी तरह बदल दिता। द किलर्स हार्ट वॉज फिल्ड विद लव फॉर गॉड एंड ऑल हिज क्रिएशन, तो उस समय उस मारन वाले का मन परमात्मा के प्यार दे नाल भर गया, तो उसकी बनाई हुई रचना के प्रति भी उसके मन के विच प्यार की भावना पैदा होगी। द हंटर प्रोमिस टू लीड अ कंपैशनेट लाइफ एंड नैवर टू कॉज हार्म टू एनी वन, तो उस तो बाद शिकारी ने उन्होंने नाल प्रोमिस किया, वादा किया कि वह उस तो बाद वधिया जिंदगी जीवेगा, तो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सेंट रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल, संत रविदास हमेशा ही बहुत ज़्यादा निमर सन। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम, तो उस समय जो धार्मिक लोग होया उन्हों तो बिल्कुल अलग सन। ही नैवर बोस्टिड ऑफ हिज नॉलेज एंड विजडम, तो उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का ज अपनी सूझबूझ का हंकार नहीं किया। हिज डिवाइन नॉलेज केम फ्रॉम विद इन, तो उन्होंने एक इलाही ज्ञान सी। हिज स्पिरिचुअल मैसेज अपील टू एवरी हार्ट, तो उन्होंने द्वारा दिए गए आत्मिक जड़े सुनेहे सी मैसेज से उन्होंने सारे मनों प्रभावित किया। पीपल लिसन टू हिम स्पैल बाउंड, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते तो उन्होंने गल्ल सुनते रहेंगे। ही स्पोक अ सिंपल एंड क्लीयर मैनर, तो वह हमेशा बिल्कुल सादे तरीके दे नाल गल करते सी। ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, तो वह लोगों को कहते सन कि परमात्मा दी नज़रों में सारे मनुख बराबर हैं। द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलैस, जात पात रंग या नसल आधार पर वितकरा करना मीनिंगलैस है, यूजलैस है। दे आर ऑल मैन मेड, ये सारिया गल्लां मनुख ने आप ही बनाई हुई हैं, इन्हों का कोई भी अर्थ नहीं है। सेंट रविदास ब्रॉट ग्रेट होप फॉर दोज हू वर पुअर वीक एंड बैकवर्ड, संत रविदास जी उन्होंने लोगों में बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आए जो कि बहुत गरीब सन, कमजोर सन, तो पछड़े हुए सन। ही फिल्ड दैम विद होप करेज एंड कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने उन्होंने अंदर एक उम्मीद, एक हौसला, एक आत्मविश्वास पैदा किया। ही इंस्पायर्ड दैम नॉट टू बो टू द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द हाई कास्ट पीपल, तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि तू उच्ची जात के लोगों दिया अन्यायिक जड़िया मंगा है उन्हें अगे नहीं चुकना चाहिए। ही इंस्पायर्ड दैम टू रिकगनाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट विद इन दैम, तो उन्होंने लोगों को इस चीज़ लिए भी प्रेरित किया कि उन्होंने अपने आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए है। ही आस्क्ड दैम टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल वीक थॉट्स, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि वह सारिया कमजोर सोच जड़िया कमजोर गल्ला है उन्होंने तो अपने आप को दूर रखन। ही ऑलवेज सैड अनटचेबिलिटी इज अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो वह हमेशा यही कहते सन कि अशुद्धता एक तरह नाल मनुखता के खिलाफ एक पाप है। सेंट रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम ऑल हिज लाइफ, संत रविदास जी के सारे जीवन में समाज सुधार उन्होंने जारी रखा। इवन इन हिज ओल्ड एज ही हैड द डिवाइन ग्लो ऑन हिज फेस, जदों उन्हों की एज बहुत ज़्यादा हो गई सी, वो बुढ़े हो गए सी, उस टाइम भी उन्होंने चेहरे के उपर एक इलाही चमक होंगी सी। ऑल हिज मैंटल फैकल्टीज़ रिमेनड एज स्ट्रोंग एज एवर, तो उन्होंने मानसिक योग्यता हमेशा ही बहुत स्ट्रोंग रही। हिज स्पिरिट रिमेनड अनटच्ड बाय द स्ट्रेसिज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, तो उन्होंने आत्मा हमेशा ही
दुनियावी पदार्थों के बोझ तो अछूत रही। He lived a spiritual life. ते उन्होंने आत्मिक जीवन जीविया। His end was peaceful. ते उन्होंने अंत बहुत ज़्यादा शांतमई सी। A great soul on this earth became one with the eternal soul. ते लास्ट दे विच आके एक महान आत्मा दुनिया दे विच्चों एक हमेशा रहने वाली आत्मा दे विच समा गई। सो ए सी अपना लैसन नंबर 4 जो कि जुलाई अगस्त वाले सिलेबस दे विच है। इस चैप्टर नूं दोबारा तो रीड कर लो, डिफिकल्ट वर्ड्स दे मीनिंग्स लर्न कर लो और नोटबुक्स के उपर नोट कर लो। नैक्सट वीडियो च आपां इसे चैप्टर दीआं एक्टिविटीज़ करांगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।